कल्याण देश हित वाली चीजें जल्दबाजी नहीं है। अटल स्पीकर वाली क्या जल्दबाजी थी, बुलडोजर वाली क्या जल्दबाजी है रे भाई? इतने दिन से आप चैन से नहीं थे क्या? यहाँ लोग एक एक दिन कोई भीख मांग रहा है, कोई भूखे पेट सो रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई नाला साफ करने वाला है, रिक्शा साफ करने वाला है, एक झोपड़ी में पूरा परिवार रहता है, क्या आप उनको जल्द से जल्द न्याय नहीं दिलवाओगे? क्या आप उनसे लगातार नाला साफ करवाइएगा, रिक्शा धोवाइएगा, भूमि ही नहीं रखिएगा, एक कमरे में ही बसर करे, या जो भीख मांगता है मंदिर मस्जिद के बाहर भीख ही मंगवाइएगा? एक एक दिन बहुत भारी पड़ता है। एक दिन कोई नाला साफ करके दिखाए सत्ता में बैठा हुआ लोग, एक दिन कोई मंदिर मस्जिद के बाहर भीख मांग के दिखाए। बेरोजगारी है हर जगह, जो है लाठी डंडा चल रहा है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। तो इन सारे मसलों को लेकर के हम लोगों के पार्टी में सभी सीनियर वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारी चर्चा हुई है, बात हुई है, और हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने संकल्प उठाया था। अब बताए भाई, भाजपा के लोग 19 लाख रोजगार कब देंगे? ये डबल इंजन की सरकार है। कमिटमेंट, अपना कमिटमेंट तक पूरा नहीं कर पाती है लोग। अहुल जुलूल बयान जो है, जिसका कोई मकसद नहीं है, वो सारी बातों पर चर्चा हो रही है, बयान दिलवाया जा रहा है, दिया जा रहा है। सत्ताधारी दल के विधायक से लेके मंत्री तक क्या क्या नहीं बोल रहे, और मुख्यमंत्री खामोश बैठे हुए, कोई कदम नहीं उठा रहे, किसी को फटकार नहीं लगा रहे, किसी को निकाल बाहर नहीं कर रहे। सांप्रदायिकता फैल रही है, कहीं कोई मंदिर पे झंडा लगा रहा है, और मुख्यमंत्री से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, हाथ लगाया कि बंधा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से तो निर्णय तो लेना पड़ेगा कि भाई ऐसी स्थिति आ गई है बिहार में कि मुद्दे पे बात नहीं होती। डीएनटी न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।